हेलो, मेरा नाम सुनील इंदौरा है एंड आई एम लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर। मैं आज आपको ME 305 के सोलर एनर्जी के बारे में कुछ बेसिक्स बताऊंगा। हम सोलर एनर्जी के बारे में बहुत सुनते हैं और महसूस भी करते हैं। हमें पता है कि हमें सोलर एनर्जी यूज करनी चाहिए, लेकिन उन सबको करने के पहले हमें सबसे पहले इन सोलर एनर्जी के बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले टॉपिक है कि सोलर एनर्जी होती क्या है। एक्चुअली सोलर एनर्जी जो होती है वो सन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण एनर्जी जनरेट होती है, और ये जो सन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी जनरेट होती है उसका कुछ पार्ट हमारे अर्थ के ऊपर भी रिसीव होता है इन द फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशन। सो इन नटशेल, सोलर एनर्जी इज द एनर्जी जनरेटेड विद इन सन ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन इज टर्म्ड एज सोलर एनर्जी, एंड ए पार्ट ऑफ दिस सोलर एनर्जी इज रिसीव्ड ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशन। अब जब हमें पता है कि सोलर एनर्जी क्या होती है, तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम इसको क्यों यूज करें। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स टू यूज सोलर एनर्जीज। तो पहला रीजन तो है कि जो सोलर एनर्जी है वो एक अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन के अंदर प्रचुर मात्रा में एनर्जी जनरेट होती है, और ये हमें आने वाले कई बिलियन ईयर्स तक हमारी एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने में सक्षम है। फॉर एग्जाम्पल, जो सोलर एनर्जी हम 1 या 2 घंटे में अर्थ पर रिसीव करते हैं, वो हमारी टोटल वर्ल्ड की टोटल एनुअल एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए सक्षम है, अगर हम इस सोलर एनर्जी को इफेक्टिवली हार्नेस कर पाए तो। दूसरा रीजन है सोलर एनर्जी यूज करने के लिए कि इससे हमें एनर्जी सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि सोलर एनर्जी लोकली अवेलेबल है एट ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके लिए हमें किसी दूसरे एनर्जी रिसोर्स पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, हमें दूसरी कंट्रीज पर या ऑयल्स पर, फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। इसको हम लोकली सोलर एनर्जी डिवाइसेस लगाकर हम इसको लोकली एनर्जी जनरेट कर सकते हैं और हमारे यूज के लिए काम में ले सकते हैं। तीसरा मोटिवेशन है कि सोलर एनर्जी एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। जैसे कि दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं, सोलर एनर्जी के जनरेशन के अंदर किसी भी तरह की कोई ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल जीएचजी गैसेस जैसे कि CO2, मीथेन वगैरह का जनरेशन नहीं होता है, और ये टोटली पॉल्यूशन फ्री है। चौथा मोटिवेशन है कि सोलर एनर्जी डिस्पेचेबल होती है। इसको हम हमारी आवश्यकता के अनुसार कुछ वाट से लेकर मेगावाट और गीगावाट तक के प्लांट बना सकते हैं हमारी जरूरत के अनुसार। इसमें कोई मिनिमम या मैक्सिमम प्लांट की साइज नहीं होती है। इसको हम अपने जरूरत के हिसाब से हम अपना प्लांट अपनी जरूरत के हिसाब से हम अपना प्लांट बनाकर अपनी जो भी एनर्जी की आवश्यकता है, 5 मेगावाट, 5 किलोवाट या 100 वाट, उसको हम जनरेट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि सोलर एनर्जी क्या होती है और सोलर एनर्जी यूज करने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव या क्या मोटिवेशन है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सोलर एनर्जी का वाइडली यूज नहीं हो रही है, लोग इसको कम यूज कर रहे हैं। तो इसकी कुछ लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन तो सोलर एनर्जी की यह है कि ये एक अनरिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोलर एनर्जी इज इंटरमिटेंट एंड वेरिएबल इन नेचर। हम देखते हैं कि डे नाइट जो साइकिल होती है या सीजनल सोलर अर्थ जो ज्योमेट्री होती है, उसकी वजह से सोलर जो रेडिएशन हमें अर्थ पर रिसीव होते हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं। कई बार क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, बादल आ जाने की वजह से भी हमारी जो अवेलेबिलिटी होती है सोलर एनर्जी की अर्थ पर वो इफेक्ट होती है। तो इसमें लोकल कंडीशंस भी होती है, क्लाउड्स वगैरह, लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस भी होती है, और जो सन अर्थ ज्योमेट्री है जिसकी वजह से डेली और सीजनल वेरिएशन होते हैं, उसकी वजह से ये एक अनरिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरा जो मेजर डिसएडवांटेज या लिमिटेशन है कि सोलर एनर्जी एक लो एनर्जी डेंसिटी है, डेंसिटी फॉर्म है। सोलर एनर्जी जो है बहुत डाइल्यूट होती है इन नेचर। हम 1 मीटर स्क्वायर में जितनी सोलर एनर्जी रिसीव करते हैं उसको हम किसी भी यूजफुल पर्पस में यूज नहीं कर सकते। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड पर स्क्वायर मीटर ऑन द अर्थ इज टू लो टू यूटिलाइज फॉर एनी यूजफुल पर्पस एक्सेप्ट फॉर ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, फूड्स एंड अदर सच लो टेम्परेचर एप्लीकेशन। तो हमें इस सोलर एनर्जी
के इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए एक लार्ज एरिया की और लार्ज कलेक्टर की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से ये हमारे जो है कॉस्टली हो जाती है, और इसको कन्वर्ट करना और उसको उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारी दूसरी मेजर लिमिटेशन है। तीसरी कि कॉस्टली है सोलर एनर्जी। अभी हमने देखा क्योंकि ये डाइल्यूटेड नेचर होती है और वेरिएबल होती है, तो हमें एक तो इसके लिए लार्ज एरिया और लार्ज सोलर कलेक्टर की जरूरत होती है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, और इसकी वेरिएबिलिटी और इंटरमिटेंट नेचर की वजह से इसको रिलायबल बनाने के लिए हमें स्टोरेज सिस्टम की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे सोलर फोटोवोल्टिक में हमें बैटरी की जरूरत पड़ती है, या सोलर थर्मल सिस्टम में हम थर्मल स्टोरेज यूज करते हैं, तो इन सब की वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और दूसरा कारण है कि अभी सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी है वो लेस मैच्योर है और लेस कमर्शियलाइज्ड है कंपेयर टू अदर कन्वेंशनल एनर्जी टेक्नोलॉजी। तो इस तरह इस नई टेक्नोलॉजी के साथ कुछ और इमेच्योर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ रिस्क इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से इन सिस्टम्स की कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाती है और ये दूसरे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स से कम्पीट नहीं कर पाती है। ये इसकी सोलर एनर्जी की तीन मेजर लिमिटेशन है, जिसको अगर हम एड्रेस कर पाए तो हम सोलर एनर्जी को आने वाले भविष्य में काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब हमने इसके मोटिवेशन पढ़ लिए, लिमिटेशंस पढ़ लिए, तो अब हम देखते हैं कि सोलर एनर्जी को यूज करने के क्या क्या डिफरेंट रूट्स हैं। तो एक रूट तो है टेक्नोलॉजिकल, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इंटू यूजफुल एनर्जी, और दूसरा है नेचुरल कन्वर्जन, वो इनडायरेक्ट कन्वर्जन होता है सोलर एनर्जी का हमने यूजफुल एनर्जी में। टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जन के अंदर दो तरह के सिस्टम मेनली यूज होते हैं, एक तो सोलर थर्मल सिस्टम होता है, जिसमें सोलर जो रेडिएशन हमें प्राप्त होती है उस थर्मल एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी के रूप में यूज करते हैं, और दूसरा जो रूट है वो सोलर फोटोवोल्टिक रूट है, जिसमें हम सोलर रेडिएशन से आने वाली जो एनर्जी है उसको हम फोटोवोल्टिक प्लेट पैनल्स के ऊपर यूज करते हैं, और उससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम अपने यूजफुल पर्पस के लिए या अपने जो भी इक्विपमेंट्स अप्लायंसेज उनको रन करने के लिए यूज करते हैं। नेचुरल इनडायरेक्ट रूट में यह हमें पता है कि सोलर एनर्जी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑल सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सोलर एनर्जी। तो जो इनडायरेक्ट कन्वर्जन, एक तो विंड एनर्जी है, विंड भी सोलर एनर्जी की वजह से ही जनरेट होती है, क्योंकि जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है, किसी पार्ट में कम होता है किसी में ज्यादा होता है, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण विंड फ्लो होती है, और इस विंड की वजह से इस विंड को हम यूज विंड एनर्जी विंड मिल्स में यूज कर सकते हैं। तो ये विंड एनर्जी भी एक सोलर एनर्जी का इनडायरेक्ट फॉर्म है। दूसरा है बायोमास, जो कि वुड है, पेड़ वगैरह है, ये जो है ये भी सोलर एनर्जी से प्राप्त होती है। जो पेड़ पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं और बड़े होते हैं, और ये बाद में जाके लकड़ी के रूप में हमें बायोमास के रूप में प्राप्त होते हैं, और इस बायोमास को बर्न करके या कम बर्न करके हम इससे एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक सोलर एनर्जी का, बायोमास भी सोलर एनर्जी का एक रूप है, इनडायरेक्ट रूप। तीसरा है टाइडल एनर्जी, जो सन अर्थ और मून की ज्योमेट्री है उसकी वजह से जो समुद्र में जो जवार वाटे उत्पन्न होते हैं, टाइड्स उत्पन्न होती है, उसको भी हम इफेक्टिवली यूटिलाइज करके हम इससे भी एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं टाइडल एनर्जी के रूप में। तो ये भी एक सोलर एनर्जी का इनडायरेक्ट फॉर्म है। और भी दूसरे जो एनर्जीज होती है, सभी एनर्जी जो होती है टेम्परेचर डिफरेंस के, सोलर एनर्जी कारण टेम्परेचर डिफरेंस कारण जनरेट होती है, और ये बेसिकली ऑल सोर्स ऑफ एनर्जी आर बिलोंग्स टू सोलर एनर्जी। अब हमने मोटिवेशन देख लिए, लिमिटेशन देख लिए, और कन्वर्जन रूट देख लिए। अब हम देखते हैं कि सोलर एनर्जी को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो सोलर एनर्जी की क्या क्या एप्लीकेशन होती है। तो पहली एप्लीकेशन देखिए, हम सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं यूजिंग फोटोवोल्टिक पैनल। सोलर फोटोवोल्टिक पैनल पर जब सोलर एनर्जी गिरती है तो उसमें सर्किट में करंट दौड़ती है, उस इलेक्ट्रिसिटी जो डीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको हम कन्वर्टर और इन्वर्टर के थ्रू एसी में कन्वर्ट करके या डायरेक्ट डीसी में ही अपने जो भी अप्लायंसेज है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इक्विपमेंट्स है, उनमें हम यूज कर सकते हैं। दूसरी मेजर एप्लीकेशन है कि सोलर एनर्जी से हम कुछ सोलर वाटर हीटिंग के रूप में यूज कर सकते हैं।
हम देखते हैं कि सर्दियों में बाल्टी में पानी भर के धूप में रख देते हैं तो वो गर्म हो जाता है। इसी सिस्टम के ऊपर सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम यूज काम में आते हैं, और बड़े बड़े होटलों में और कई हॉस्टल्स वगैरह में इस तरह के जो वाटर हीटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं, जिसमें सोलर की एनर्जी से वाटर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं और उसको हम हमारे नहाने में या कुकिंग के पानी में और भी दूसरे एप्लीकेशन के हम अंदर हम इस गर्म पानी का यूज करते हैं। तीसरी एप्लीकेशन जो सोलर एनर्जी की है वो कि हम इसको इसके थ्रू सोलर कंसंट्रेटिक रूट के थ्रू हम थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और ये कई मेगावाट गीगावाट के प्लांट हम बना सकते हैं। इसमें हम सोलर एनर्जी को जो कंसंट्रेट होती है उससे हम स्टीम बनाते हैं, और उस स्टीम को हम स्टीम टरबाइन में यूज करके उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इसमें कन्वेंशनल जो बॉयलर होता है उसकी उसमें कोयला या फॉसिल फ्यूल की जगह हम इसमें इसके जो बॉयलर है उसमें सोलर एनर्जी से को कंसंट्रेट करके हम स्टीम जनरेट करते हैं, और उस स्टीम से हम पावर प्लांट के इक्विपमेंट चलाते हैं जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। चौथी एप्लीकेशन जो है सोलर कंसंट्रेटिंग सिस्टम को हम हीटिंग एप्लीकेशन में, जैसे इंडस्ट्री में है, प्रोसेस इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उनमें हम इस सोलर हीटिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। कुकिंग में यूज कर सकते हैं, फूड ड्राइंग में यूज कर सकते हैं। कई जगह आजकल सोलर कुकिंग सिस्टम लगे हुए हैं जिसमें हम सोलर कंसंट्रेटिंग सिस्टम से स्टीम जनरेट करते हैं, और उस स्टीम की सहायता से हम दाल चावल वगैरह पका सकते हैं। तो इस तरह से हम सोलर कंसंट्रेटिंग सिस्टम से हम हीटिंग एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्री में, कुकिंग में, फूड में, एक्सेट्रा में। तो बेसिकली कंक्लूजन क्या है, पहला कंक्लूजन तो कि सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, और ये हमारी फ्यूचर की जो डिमांड है उसको पूरा करने में सक्षम है और वेरी प्रोमिसिंग है। दूसरा कंक्लूजन है कि हम सोलर एनर्जी दोनों थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों हम सोलर एनर्जी से प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें सोलर एनर्जी डिवाइसेस लगाने पड़ेंगे, उससे हम अपनी डिमांड पूरी कर सकते हैं। तीसरे जो कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हमारे जो इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें हमें लगभग सभी पार्ट्स में मोर देन 300 सनी डेज मिलते हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर ये इंडिया के हिसाब से सोलर एनर्जी का यूज और भी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि हमारे पास सोलर रिसोर्स की एडिक्वेट अवेलेबिलिटी होती है। लगभग हर पार्ट में हमारे अच्छा सोलर रेडिएशन मिलता है, और उसकी अवेलेबिलिटी भी काफी दिनों तक होती है, लगभग 300 दिन लगभग हर पार्ट में मिलते हैं। तो ये हमारी सोलर एनर्जी जो है कि हमारी इंडिया की जो फ्यूचर एनर्जी मिक्स है या जो फ्यूचर एनर्जी डिमांड्स है उसके अंदर सोलर एनर्जी एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। और चौथा जो कंक्लूजन है वो ये कि चूंकि सोलर एनर्जी अभी इमेच्योर है और कॉस्टली है, तो हमें और कई सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे रिसर्च के अंदर और इसके कमर्शियलाइजेशन के अंदर। तो इसकी जो है एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए और इसकी कैपिटल कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें एट लोअर कॉस्ट, और ये जो कन्वेंशनल सोर्स है जो एनर्जी है उनसे उनसे कॉस्ट वाइज कम्पीट कर पाए। तो इसके लिए हमें बहुत सारी रिसर्च और जो भी पॉलिसी प्रोग्राम्स हैं जैसे कि सब्सिडी वगैरह है उनको यूज करके हमें इसको और ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ताकि हमें भविष्य में इस एनर्जी का हम यूज कर सकें इफेक्टिवली। थैंक्स फ्रेंड्स।